श्री राम दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सात लाल मिर्च का वह उपाय जिससे भगवान भोले बाबा दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। आपको बता दें कि यह चमत्कारिक उपाय हर हाल में यदि आप कर लें, और मिर्ची कौन सी लेना है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान भोले बाबा अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं करते। प्रभु देर से जरूर सुनते हैं, प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। दोस्तों, बाद में आपकी ऐसी सुनते हैं जिससे कि व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, व्यक्ति धनी हो जाता है, धनाढ्य बन जाता है और सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जो भी इस सात काली मिर्ची से यह काम करता है उसके कर्ज का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, शत्रु का विनाश हो जाता है, नजर दोष, पितृ दोष, धन सुख संपत्ति और तरक्की के रास्ते उसके खुल जाते हैं, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस सात मिनट के उपाय आपको करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है। जीवन में सुख दुख निरंतर चलते रहते हैं, वह समय के साथ चलते रहते हैं। देखिए, जैसे कि रथ का पहिया चलता रहता है, एक समान नहीं रहता, उसी तरह से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। कभी तो दुख का पलड़ा भारी होता है, कभी सुख का पलड़ा भारी होता है, लेकिन कभी वो चुनौतियों के दबाव से कई मौक़ों पर लोग टूट जाते हैं। वे महसूस करने लगते हैं कि इतनी समस्याएं सामने आ जाती है कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कई मर्तबा लोग ये सोचने लगते हैं कि दुनिया में हम सबसे बदनसीब इंसान हैं। लेकिन ऐसी जीवन की समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए। धार्मिक पूजा पाठ, कुछ उपाय और आपके मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार आपने छोटी छोटी चीज़ों को हमारी नज़रों के सामने होती है और जिन्हें हम रोज़ इतना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें हमारी समस्याओं के निजात दिलाने के लिए हमें उनका उपाय पता नहीं रहता। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी समस्याओं से हमें निजात दिला सकती है, लेकिन हमें उपायों के बारे में पता नहीं होता। दरअसल, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए रोज़ घर में उपयोग होने वाली चीज़ों से हम हमारे ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम हमारे ज़िंदगी के दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं। दोस्तों, हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है लाल मिर्च। लाल मिर्च रसोई घर में नहीं बल्कि हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इन उपायों से आप अटके हुए फंसे पैसे निकाल सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खूब परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं होते तो आप लाल मिर्च का उपाय जरूर आजमाइएगा। यह आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर देगा। दोस्तों, कई बार हमारे ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन की भावना हमारे उनके मन में हमारे प्रति भरी रहती है और वह हमारे अंदर से कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। मुंह पर मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे छुरा ठोक देते हैं, अर्थात पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका जो प्रभाव होता है, उनकी जलन का जो प्रभाव होता है, हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, हमें नुकसान होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्ची का उपाय जरूर आपको आजमाना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 या 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्ची लेनी है और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार घड़ी जैसी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में ज़मीन में गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी को आपको दबा देना है। ध्यान रहे दोस्तों, उपाय जब आप करेंगे तो उपाय करते समय आपको कोई नहीं देखना चाहिए, और फिर वापस आते समय आपको मुड़कर भी नहीं देखना है, सीधे घर में घुस जाना है। दोस्तों, हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा यह उपाय। अनेक प्रकार के समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है लाल मिर्च। अगर आप किसी इंटरव्यू पर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका काम नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, घर की दहलीज पर, मुख्य द्वार जहां पर होता है वहां पर, घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च आपको डालनी है, और उसके बाद घर से निकलते समय आपको क्या करना है, आपको इन लाल मिर्च को लांग कर चला जाना है। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएँ आ रही है तो यह जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, यह उपाय शनिवार को करना है। दोस्तों, शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या कटोरी में आपको पानी लेना है और पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज गिलास और कटोरी में डाल देने हैं, और सोते समय आपको उसको अपने सिरहाने पर रख देना है। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और बाएँ हाथ में लेकर घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसकी उल्टी दिशा में, यानी घड़ी घूमने की उल्टी दिशा में आपको उस पानी को दूर जाकर फेंक देना है। आपके ऊपर नकारात्मकता जो भी थी वो दूर हो जाएगी और शांत, आपका मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, आपको कार्य में सफलता मिलेगी और आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं होना बंद हो जाएगी।
दोस्तों, जो भी धन की कमी होती है, और अगर आपको पैसे की किल्लत सता रही है, आपके घर में धन नहीं टिकता, हाथ में धन नहीं टिकता, सुबह तो बहुत सारा कमाते हैं लेकिन शाम को ही खर्च हो जाता है, पैसा नहीं जुड़ रहा है, तो दोस्तों यह समस्याएं अधिकतर लोगों की होती है। तो यह जरूर आजमाएं, लाल मिर्च का ये उपाय आपको हमेशा सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, लाल मिर्च को आप किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए आप जहाँ पर अपना धन रखते हैं तो आपकी कभी भी झोली खाली नहीं रहेगी यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर है। तो दोस्तों, जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए, आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनती करेंगे कि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको इस तरह की वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो कि मैं नए नए वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते रहते हैं। आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे अपितु आपकी पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं और उनके किए किराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ऐसे में किसी शनिवार को शाम को 5 लाल मिर्च ले लो और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने ले लो और नमक ले लो। दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने आपके ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया है, उसका नाम लेते हुए अपने से या पीड़ित के सर से या जो भी पीड़ित है उसके सर से 7 बार घुमा लें और घर के बाहर ले जाकर अगर आपके ऊपर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका कराया है तो उसका असर तुरंत खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल एक कटोरी में लें और एक कटोरी को अपने किसी मरीज के पास में रख दें। उपाय करने के आसपास सारी नकारात्मक क्षमता को दूर करता है। हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीज़ों को बदलते रहें जब तक कि व्यक्ति ठीक ना हो जाए, या फिर 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांध कर मरीज के तकिए के नीचे रख दें। दोस्तों, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी समस्या से बहुत अधिक परेशान है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज आपको उसको चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जितनी आमदनी हो पाती है उतना तो आप कर्ज चुका देते हैं, बसता कुछ भी नहीं है, या फिर अब तो इतनी आमदनी भी नहीं हो रही कि आप कर्ज चुका सकें, या फिर किसी ने उधार लेकर रखा है, आपने किसी को उधार दे रखा है और व्यक्ति बार बार मना करने के बावजूद भी लौटा नहीं रहा है, आपको क्या करना है? दोस्तों, यदि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है और वो लौटा नहीं रहा है, या फिर आप खुद ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो उन दोनों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सूर्य नारायण को जल देना है, और वो कैसे देना है, जिस जल को आप सूर्य नारायण को देने जा रहे हैं, अर्घ्य देने जा रहे हैं, उस जल में आपको लाल मिर्ची के 21 दाने डालना है और सूर्य देव को अर्पित करना है। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं। यदि आप 21 दिन तक नहीं कर सकते तो कोई और आपकी जगह कर लेगा, लेकिन इस क्रम को न तोड़िएगा। आपको लगातार 21 दिन तक यह करना है और आपसे आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी है। जब आप अर्घ दिए, जब आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे होंगे, उस समय आपको सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि आप धीरे धीरे, आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरा जो उधार है वो नहीं चुका पा रहा है उसका नाम लेकर के, तो आप वो आपका उधार चुका देगा। और यदि आपको कर्ज देना है, यदि आप खुद कर्जदार हैं, तो फिर आप अपनी विनती कीजिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, मेरा कर्ज चुक जाए। तो दोस्तों, यकीन मानिए आपकी जो रोजगार संबंधित समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और धन भी आपका चुक जाएगा, कर्ज भी आपका चुक जाएगा, और जो पैसे नहीं दे रहा था उधार, जिसने आपको पैसे दिए थे, जिसको आपने पैसे दिए थे, वो आपका उधार वापस नहीं दे रहा, तो वो भी वापस उधार दे देगा। अब आपके व्यापार में भी लगातार घाटा हो जाता है, आपके रोजगार से संबंधित समस्या चल रही है, तो आपको क्या करना है, आप 3 दिए मिट्टी के लें और उसमें साबुत नमक, साबुत धनिया रखते हैं और उसमें 1-1 लाल मिर्च रखते हैं। यह आपको धंधे के लिए बता रहा हूँ, दुकान के लिए बता रहा हूँ। यदि आप व्यापार करते हैं और वो चलना बंद हो गया तो आपको क्या करना है, 3 दिए लेने हैं, मिट्टी के दिए जो होते हैं वो 3 लेने हैं, उनमें साबुत नमक रखना है, साबुत धनिया रखना है और 1-1 लाल मिर्च उनमें रखनी है, 3 ही लेने हैं, और कार्यस्थल पर रख देना है। काम काज में जितनी भी आपके बाधाएँ आ रही थी वो आपके कारोबार में बनी हुई बाधाएँ खत्म हो जाएगी, आपका काम वापस से चलने लगेगा। दोस्तों, एक और काम आप कर सकते हैं, लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बर्तन में पानी में डाल दें और अपने ऊपर 7 बार उतार कर किसी रास्ते पर फेंक दें, तो इससे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लाल मिर्च बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए, इसके परिणाम भी शीघ्र शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च से नज़र उतारने के काम भी आती है। आपके घर में यदि कोई बच्चा या किसी नज़र दोष से पीड़ित कोई बच्चा है जिसको नज़र लग गई है, ऐसे में साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा आपको नमक लेना है और लकड़ी का कोयला लेना है, हल्दी की गांठ लेनी है, और पीड़ित व्यक्ति पर 5 बार घुमाकर चूल्हे में डाल दें, या फिर कहीं आग जल रही है बाहर
तो वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे की नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी, सारे बुरे प्रभाव उसके ऊपर से खत्म हो जाएंगे। आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको क्या करना है, शनिवार की रात को 7 माह लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल लेकर के छोटे छोटे टुकड़े 7 टुकड़े बाहर निकालते हुए आपको पीपल के पेड़ के पास आते समय जब तक वो खत्म हो जाए वो डाल देना है। दोस्तों, ग्राहकों से भरी हुई दुकान अचानक खाली रहने लगती है, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसे में ये उपाय आपको आजमाना चाहिए। दोस्तों, आप कच्ची लाल मिर्ची और एक नींबू ले लें और इनको काले धागे में पिरोएं और अपने कार्यस्थल पर या फिर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग लें। हर हफ्ते बदलते रहें, हर शनिवार को और रविवार को ये कार्य आप कीजिए। दोस्तों, हर शनिवार को ये उपाय यदि आप करते रहेंगे ना, तो आपके कार्य में रुकावटें आना दूर हो जाएगी, आपके व्यापार में जो लगी नज़र है वो उतर जाएगी और आपके उस किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी और आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहेगा। दोस्तों, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके कार्य पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, इससे भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, यदि आप श्री राम, प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।